डायमंड, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर गर्दिश कर रही है। इस वक्त आम आदमी पार्टी और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह जो है बहुत ही फेमस लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपनी माँ के पांव छूते हुए हिम्मत की दाद दी और हिम्मत से रहने की बात करते हुए वो पुलिस प्रशासन के साथ चले गए। उसके बाद इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और फिर जो आम आदमी पार्टी के पूरे मुल्क के जो सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल ने भी अपना खुलासा बताया, और जिस तरह से बीजेपी पार्टी इन पर जो जुल्म ढा रही है उसे उन्होंने तफसील से बताते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस तरह की हरकतें जो इस वक्त देश में चल रही है, इससे देखना यह है कि अंदाज़ा लगाना चाहिए क्या ये आने वाले इलेक्शन को लेकर इस तरह की हलचल हो रही है या इसका मकसद कुछ और है। आइए देखते हैं। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महागोतावे के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें जो अडानी के खिलाफ की, घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहा दबा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ हो नहीं, बावजूद इसके गिरफ्तार हो रही। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगे, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं, और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने सारी, इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे सातों जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला।
ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको एक साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है, लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलें।